हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस लेक्चर मेरा जो था वो गॉस थ्योरम को लेके था। मैंने ऐसे प्रीवियस टू प्रीवियस और मतलब लगभग दो या तीन लेक्चर्स की मैं बात करूं तो इन लेक्चर्स में मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके बात की है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन समस्याओं पर मैंने डिस्कशन किया कैसे कोई क्वेश्चन बन सकता है। गॉस थ्योरम कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको करके दी। कुछ एप्लीकेशंस थे, उन एप्लीकेशन पे बेसिस पे आप कंडक्टर को कंप्लीट स्टडी में ले सकते हैं। कंडक्टर की आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। कंडक्टर के बारे में जानना मतलब गॉस थ्योरम कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज का लेक्चर, कल के लेक्चर का जो एंड था वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। और आपको याद होगा कि कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने निकल चला था। मैंने बोला ना कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। अब इसका थ्योरेटिकल एजम्पशन है, थ्योरी कई बार फिजिक्स की थ्योरी कंप्लीट समझ आ रही होती है लेकिन न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। तो प्लीज आप सबसे पहले तो ये अपने आप को समझाएं कि यार मैं कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करूं। फ्रेम करने के लिए फंडामेंटल्स तो आपके स्ट्रांग होने ही चाहिए, मतलब बेसिक्स तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन सोचने का क्या तरीका हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि वो सब मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, आप आसानी से क्वेश्चन को सोच पाए, कैसे प्लान कर पाए। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस थे, आज इस क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करूंगा मैं, है ना। इस क्वेश्चन से आज मैं इसकी शुरुआत करूंगा। ओके, देखो यहां से अगर क्वेश्चन आप देखें तो मैं आपको सोचना सिखाता हूं, मैं आपको प्लान करना सिखाता हूं कि यार कैसे क्वेश्चन आप प्लान करके दे। लेकिन मैंने बोला ना उसके लिए फंडामेंटल बेसिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए और बेसिक रिक्वायर्ड जो है ना, मैंने जो आपसे डिस्कशन किए हैं गॉस थ्योरम को लेके या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके, अब बिलीव रखो उनसे बाहर एक भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। बताने को मैं और बहुत सारी बातें बता सकता हूं बट मैंने बोला ना जो रिक्वायरमेंट है उसके पैरेलल चलने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हैं और उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। इसकी रेडियस है ए, हैज नेट पॉजिटिव चार्ज, इस पे चार्ज है। अगर चार्ज है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो चार्ज कहीं ना कहीं इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग होने की वजह से रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह वो चार्ज पार्टिकल मूव कर सकते हैं। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज, मैंने आपको बताया कि चार्ज सरफेस पे जाके क्यों कलेक्ट होता है, वो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं गया है। उसके बाद अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी इज कॉन्सेंट्रिक विद द सॉलिड स्फीयर, है ना। मतलब एक स्फेरिकल शेल और वो शेल जो है, देखो आप, वो शेल जो है वो कुछ इस प्रकार से है, देखो आप, कॉन्सेंट्रिक सेल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब कहीं ना कहीं जो सॉलिड स्फीयर है, जो सॉलिड स्फीयर है उसका सेंटर, यानी उसके लिए वो सेंटर कॉमन है जिसकी इनर रेडियस, अगर मैं ये जो शेल है, शेल को कुछ आप ऐसे बना लें, इस टाइप्स, ठीक है। इसकी जो इनर रेडियस है वो है बी, रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी, यानी ये बी है और आउटर रेडियस जो है वो सी है, सी इस प्रकार से इंफॉर्मेशन, मतलब आप ऐसा समझ लिए ये शेल है, कॉन्सेंट्रिक शेल। देन तो शायद मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा आपको समझ गया। नेट चार्ज माइनस क्यू, इस शेल में जो नेट चार्ज है वो माइनस क्यू है, नेट चार्ज जो है वो माइनस क्यू है। द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सर्फेसिस ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी, आपको पता है कि इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, मतलब मुझे इस सरफेस पे यानी आउटर सरफेस पे और इनर सरफेस पे
सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन और यहां पे सिग्मा टू, यानी आउटर सरफेस, यानी पहले हम देख रहे हैं इनर एंड आउटर, इनर को पहले ले लेते हैं, एक काम करते हैं इनर वैल्यू को सिग्मा वन और आउटर वैल्यू को सिग्मा टू मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आंसर दे दें, ठीक है, डन। तो ये पहले तो आप ड्रॉ करना सीखे, मैंने बोला हो सकता है इतना लेंथी क्वेश्चन आपके सामने ना है, लेकिन आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हुए, सोचने का आर्ट एक बार डेवलप हो जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, फिर बेसिक से क्वेश्चंस लगेंगे आपको। एक स्टोरी लाइन क्रिएट करना अगर आपको आता है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आता है, तो आप आसानी क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। मैंने बोला देखो ध्यान से लिखा है इनर आउटर सेल कंसेंट्रिक सेल कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, तो इसका मतलब दोनों कंडक्टर की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ये तो बात है, ठीक है। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी, तो मैं यहां पे एक बहुत स्मार्ट सी बात बताता हूं कि कंडक्टर के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे जीरो होगी। अगर मैं पूछूं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो जीरो होगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो। तो अब मुझे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से पास होता हुआ अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं, यहां से पास होता है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं और इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है ना, मैंने ये आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, फ्लक्स कैलकुलेट करने गए, दैट इज ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो मुझे बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू नेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्यू नेट जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर क्यू नेट जीरो होना चाहिए मतलब आपको पता है कि इस पे तो अगर मैं इस गॉसियन सरफेस की बात करूं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज 2q तो है, यानी इस पे जो चार्ज है वो 2q तो है ना, 2q चार्ज है, यानी इसकी बात करें तो इस पे 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक रेडियस थी एक्चुअली, है ना, ये रेडियस थी, क्लियर। अब मुझे इस गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज को जीरो करना है, जीरो करने का मतलब इसका मतलब अगर इस पे 2q चार्ज है तो 100% इनर सरफेस पे -2q चार्ज होना पड़ेगा, इनर सरफेस पे टोटल चार्ज -2q होना पड़ेगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो चार्ज करने के लिए। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कंडक्टर के अंदर जीरो है, कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो उस सिचुएशन में क्यू इन जीरो होगा, क्यू इन अगर जीरो होगा, क्यू इन जीरो होगा, तो आपको पता है कि मैं सरफेस पे, इस सरफेस पे तो चार्ज 100% फिक्स है, पता है 2q, तो इनर सरफेस पे चार्ज कितना होना पड़ेगा, दैट्स माइनस ऑफ 2q। आप इसको कुछ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, मैंने बोला ना क्वेश्चन को सोचना सीखे, मैंने अगर ये बोला कि इस पे चार्ज चलो मान लेते q1, अगर मैं q1 चार्ज कर दूं, q1 तो q1 प्लस ऑफ 2q की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए, तो 100% q1 की वैल्यू क्या वो -2q के बराबर होगी, से यस और नो, 100% -2q के बराबर होगी। आपको पता है इस शेल में टोटल चार्ज कितना था, अब ऐसा तो है नहीं, चार्ज तो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, अगर -2q चार्ज इधर आ जाएगा इस शेल में अगर मैं इस शेल की बात करूं तो इसके अंदर टोटल चार्ज -q1 था, अगर आप ध्यान से देखें माइनस क्यू था ना, या फिर माइनस क्यू, अगर शेल में माइनस क्यू चार्ज था और माइनस क्यू चार्ज में से इधर की तरफ जो सरफेस पे आ गया, यानी ये सरफेस इंडक्शन हो रहा होगा ना, इस सरफेस पे आके कितना चार्ज आके कलेक्ट हो गया माइनस ऑफ 2q। अगर इस सरफेस से माइनस ऑफ 2q चार्ज कलेक्ट हो गया तो आउटर सरफेस से मान लेते हैं q2 चार्ज कलेक्ट होगा, क्या q2 माइनस ऑफ 2q की वैल्यू माइनस q के बराबर होनी चाहिए, ये बताओ भाई। इस पे पूरी शेल पे कितना चार्ज था, इस शेल पे टोटल चार्ज कितना था, माइनस q, और माइनस q में माइनस 2q सरफेस पे आ गया, अगर इस सरफेस पे आ गया तभी नेट चार्ज तो लगभग माइनस ऑफ क्यू के बराबर ही होना चाहिए, तो मान लेते हैं अपर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया q2, तो q2 माइनस ऑफ 2q क्या माइनस ऑफ क्यू के बराबर होना चाहिए, नेट चार्ज तो जीरो, यानी क्या मैं लिख सकता हूं q2 इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस 2q, दैट इज इक्वल टू क्यू, इसका मतलब है अपर सरफेस पे यहां पर चार्ज कितना होगा, तो आप कह सकते हैं क्यू, क्लियर।
तो मुझे इनर शेल पे चार्ज कितना है पता चल गया, आउटर शेल पे कितना चार्ज है, अब सिग्मा वन चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज कितना है 2q अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज 4πb² 2 2s are 4 दैट इज इक्वल टू -q अपॉन 2πb² यानी दिस इज द इनर सरफेस डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस रीजन। अगर मैं आउटर सरफेस की बात करूं सर सिग्मा 2 और सिग्मा 2 की अगर मैं बात करता हूं सिग्मा 2 इज चार्ज, अगर मैंने चार्ज कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू q अपॉन 4πc² इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, तो आंसर देख लो -q अपॉन 2πb² ऐसा कोई आंसर है -q अपॉन 2πb² देखो 2 2s are 4 दैट इज इक्वल टू -q अपॉन 2πb² And Q upon 4πc² A should be the right answer. Clear है? तो अगर आप कंडक्टर की प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे समझ रहे थे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 होती है तो इसका मतलब मैंने वहां से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाया, अगर उस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 है तो 100% उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अब वो 0 तभी पॉसिबल है क्योंकि इसके पास तो फिक्स चार्ज है कितना है 2q, तो इसमें मान लेते q1 चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो q1 प्लस ऑफ 2q की क्यू, इससे मैंने q1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, इसके अकॉर्डिंग मैंने q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मैंने सिंपल यूज किया गॉस थ्योरम और कंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इससे सॉल्यूशन में ले लिया, मुझे इसके लिए कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है देखिए, ठीक है लिखा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड, एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है और उसकी जो वैल्यू है दैट इज ई इज इक्वल टू ए आर, यानी ई इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियली आउटवर्ड। मान लेते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर पोजिशन, यानी मैं अगर आर कॉमा जीरो की बात करता हूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है दैट इज इक्वल टू A, R, एक कॉन्स्टेंट है, द चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस R, स्फीयर ऑफ रेडियस R, तो अगर मैं यहां पे R, 0 की बात करूं यहां पे तो मुझे बताओ क्या आपको इस टाइप का एक स्फीयर बनता हुआ नजर आएगा, एक R रेडियस का स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस गॉसियन सरफेस पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है AR, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है AR, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है AR, ठीक है, तो आपको यह तो बात अच्छे से पता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ EdS दैट शुड बी इक्वल टू qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है 0 से लेके 4πr² e की वैल्यू अगर ध्यान से देखें e की वैल्यू आपके पास कितना है AR है, AR, ठीक है, E आपके पास कितना है AR, ठीक है, क्लियर। अब आप मुझे बताओ हर जगह वो वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में चेंज हो रहा है, AR एक कांस्टेंट वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, तो E को मैं उस सरफेस के लिए बाहर कर लेता हूं दैट ds 0 से लेके 4πr² इज इक्वल टू qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट E into 4πr² is equal to qin upon epsilon naught E की वैल्यू, यहां पे E की वैल्यू किसके बराबर है AR के बराबर, तो AR 4πr² into epsilon naught that is equal to qin, मेरे पास यहां पे ये आंसर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी the answer is 4πε₀ AR cube is the right answer, is the right answer 4πε₀ ARQ, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात की जा रही है, मैंने इस स्फेरिकल रीजन के अंदर चार्ज कितना है, तो मैंने पूछा कि अगर आपसे पूछा कि अगर मैं सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात करता हूं दैट इज AR, यहां पे सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेम है, मैंने E को मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, मैंने इंटीग्रेट किया उस सरफेस के लिए, then tet flex should be equal to qn upon epsilon naught, यहां से मैंने qn की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो मुझे लगता है यहां पे कोई बहुत मुश्किल सी बातें हमने नहीं की है, बेसिक से डिस्कशन किया, ठीक है, क्लियर है।
तो स्मॉल सरफेस एरिया के लिए जब कैलकुलेशन करने गए तो दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDS, लेकिन अगर मैं कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने गया तो मुझे वैल्यू कितनी मिली, वैल्यू मुझे AR into 4 pi r square epsilon naught, यहां से मैंने QN कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो और सोचो कि इसको कैसे प्लान किया जा सकता है, इसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं। मैंने बोला ना कि हमें एप्लीकेशन के बियॉन्ड जा के देखने की जरूरत नहीं है। गॉस थ्योरम से मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपके सामने वो मैंने यहां पे प्लेस किए हैं। आप देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो लिखा है ध्यान से देखो, लेट रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr² स्मॉल r, बी द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है और दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल r। ध्यान से देखो, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जैसे जैसे आप सेंटर से आर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आर टेंडेड टू आर, वैसे वैसे डेंसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन लगातार इंक्रीज कर रही है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन, इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन, इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग आने वाला है कि नहीं, तो जैसे जैसे आप सरफेस तक जा रहे वैसे वैसे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। अगर चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो भी मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू, इसमें जो टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यों टोटल चार्ज क्यू है। For a point P inside the sphere at distance r1 from the center of sphere, the magnitude of electric field, मुझे small r1 distance, small r1 distance पे electric field intensity calculate करना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बेटा मैं वहां से पास होता है Gaussian surface बना लूंगा, और Gaussian surface बनाऊंगा तो इस Gaussian surface के अंदर रखा अगर मुझे charge पता चल जाए तो calculation होगी। फिर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। मैंने यही तो गॉस थ्योरम में सिखाया आपको, एप्लीकेशन ऐसे ही तो करके बताए। ठीक है, इसके अंदर चार्ज डेंसिटी ये है। अगर मैं इसमें एक स्मॉल वॉल्यूमेट्रिक रीजन, अगर मैं इसमें एक रीजन कंसिडर कर लू, वॉल्यूमेट्रिक रीजन आर डिस्टेंस, आर रेडियस, आर रेडियस पे है ना, मैंने एक वॉल्यूमेट्रिक रीजन कंसीडर कर लिया जिसकी थिकनेस है dr और जिसकी रेडियस है r। तो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं दैट इज 4πr², और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इसका कितना हो गया 4πr² ऑफ dr। दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक रीजन। अगर मैं इस वॉल्यूम की बात करूं, इस वॉल्यूम की बात करूं, इस वॉल्यूम में अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो dq मान लेता है, और अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो dq अपॉन 4πr² ऑफ dr लिखा जा सकता है ना। मुझे r1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो r1 रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज है मुझे ये एक्चुअली मेजर करना है। उस R1 रेडियस के स्फीयर के अंदर चार्ज जो है मेजर करना है। तो मैं एक काम करता हूं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक शेल कंसीडर कर लेता हूं, उस शेल की रेडियस है R और शेल थिकनेस जो है मतलब इनर और आउटर सरफेस की जो थिकनेस है वो है dr। तो वॉल्यूम कितना होगा, दिस रीजन जो मैटेरियल मैटेरियल रीजन है जहां पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू दिस। क्लियर, आपको पता है कि डेंसिटी एक्चुअली है कितनी, डेंसिटी इज इक्वल टू है क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। यहां से आप dq की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, dq इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर इंटू 4πr² ऑफ dr, पाई से पाई कैंसिल और q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, और 4 भी 4 q अपॉन कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है। इसके अलावा बचा क्या, स्मॉल आर स्क्वायर, दिस स्मॉल आर क्यूब ऑफ डी आर दैट इज इक्वल टू डी क्यू। डी क्यू मतलब इस रीजन में, यहां पे जो ये रीजन है, इस रीजन में चार्ज कितना है तो आप कहेंगे इतना। अगर मैं पूछूं कि मुझे आर वन डिस्टेंस के लिए या जीरो से लेके आर वन के लिए टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन बोथ साइड
और जीरो से आर वन के लिए इंटीग्रेट कर दो, तो फोर क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर और आर क्यूब का इंटीग्रेशन, दैट इज आर की पावर फोर अपॉन फोर, लिमिट यूज करेंगे, दैट इज आर वन की पावर फोर अपॉन फोर, दिस इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, क्लियर है ना, ये आपके पास चार्ज। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए लेके लेके वैल्यू ई डी एस, डी एस की वैल्यू दैट इज फोर पाई आर वन स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू इन फॉर द फोर क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर वन की पावर फोर अपॉन फोर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फोर से फोर कैंसिल, आर वन स्क्वायर आर वन कैंसिल, तो ये आपके पास बनेगा क्यों क्यों आर वन की पावर फोर अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई, यानी क्यों आर वन स्क्वायर, सॉरी आर वन स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती हुई नजर आ रही है। देखते हैं कोई आंसर ऐसा मिल रहा है या फिर नहीं, है ना। क्लियर, ये कैलकुलेशन है जिस कैलकुलेशन को हमें यहां पे हिट करना है। क्या लेट रो आर इज इक्वल टू क्यू, यानी अगर मैं पूछूं कि ये चार्ज कितना है, तो ये चार्ज आपके पास, ये डेंसिटी बी द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सॉलिड स्फीयर, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रेडियस आर, द टोटल चार्ज जो है इस स्फीयर पे क्यों है, फॉर अ पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर एट द डिस्टेंस आर वन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो उस केस में जब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं, तो यार मैंने कुछ बेसिक सी बातें ध्यान में रखी। मैंने कहा कि आप एक इसमें स्फेरिकल शेल कंसीडर कर लो, उस स्फेरिकल शेल के चार्ज को आप डी क्यू और इसकी रेडियस को आपने स्मॉल आर मान रखा था, दैट्स व्हाई आपने उसके लिए वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया, डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक है, दैट इज डी क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, ये आपके पास रिलेशन बना। डेंसिटी ऑलरेडी इन्फॉर्मड है आर के टर्म्स में, तो जब आपसे सॉल्व करने गए तो आपको मिला क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इन टू स्मॉल आर मल्टीप्लाई में फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। आप इसे फर्दर R1 तक के लिए, क्योंकि आपको टोटल चार्ज R1 जीरो से लेके R1 तक के लिए कैलकुलेट करना था, तो इंटीग्रेशन किया, दैट इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर जो है, 4 पाई से पाई एक्चुअली कैंसिल किया था, 4 क्यू अपॉन R स्क्वायर बाहर है मल्टीप्लाइड बाय R1, R की पावर 4 अपॉन 4 मिलेगा, तो मैंने बोला था मैंने R1 लिमिट प्लेस कर दी, तो मुझे ये रिजल्ट मिला। ये मुझे इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द गॉसियन सरफेस मुझे चार्ज पता चल गया, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं उस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनटू 4 पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर वन की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से 4 कैंसिल हुआ है, आर वन स्क्वायर से आर वन की पावर 4, तो यहां पे क्यू बचा, यहां पे आर वन स्क्वायर 4 अपॉन में जाएगा, और 4 ऑलरेडी अपॉन में था, दैट इज 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई इधर आएगा पाई, सो क्यू आर वन स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मुझे ये रिजल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ये रिजल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो मुझे लगता है कि एक समेटेड थी वैल्यू, समेटेड सी सिचुएशन। अब मुझे यहां पर अगर इसके रिजल्ट देखे जाए, दैट इज क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन स्क्वायर, यहां पर रिजल्ट ये नहीं है, क्यू आर वन की स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर फोर, ये भी आंसर नहीं है, है ना। इसके अलावा सी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यस। तो इससे मैच करता ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, यस, ठीक है। तो ऑप्शन मैच नहीं, इसमें आप एक ऑप्शन क्रिएट कर लो, दैट इज क्यू आर वन स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर स्क्वायर, दिस शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये करेक्ट आंसर है। हो सकता है इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो,
क्योंकि जो लॉजिक है, जो फंडामेंटल सी बातें हैं, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, और मुझे लगता है इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला एक एजम्पशन, उस एजम्पशन को ही हमें फॉलो करना है, एक आइडिया, उस आइडिया को हमें फॉलो करना है, ठीक है। हम इसी टाइप की थॉट को हम यूज करते थे। आपको याद होगा कि मैंने अभी तक जो आपको एनालिसिस दी थी वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दी थी, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मिल भी जाता है तो उस केस में आपने कॉन्सेप्ट को तो वही रखना है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, द इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, द इंटीग्रेशन ऑफ EDS that should be equal to qn upon epsilon naught. तो मुझे केवल और केवल qn कैलकुलेट करना था, और qn कैलकुलेट करने के बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आसानी से कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हमारी कंप्यूटर जी से, तो इसे एक बार देख लेना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो, द गॉसियन सर्फेसिस। अब गॉसियन सर्फेसिस के बारे में बताना, गॉसियन सर्फेस मैंने आपको बताया था, गॉसियन सर्फेस वो सर्फेस होते हैं जिसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो सेम हो, उन्हें आप परफेक्ट गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। गॉसियन सरफेस जैसे एक चार्ज के अराउंड गॉसियन सरफेस जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वे स्फेरिकल रीजन होता था आर रेडियस का, तो इससे आप गॉसियन सरफेस बोल पा रहे थे। क्यों बोल पाते थे? बिकॉज ऑफ कि हर जगह सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेम है। लिखा कैन पास थ्रू ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैन नॉट pass through a continuous charge distribution, can pass through any system of discrete charges, can pass through a continuous charge distribution as well as any system of discrete charges, ठीक है, clear? Can pass through a continuous charge distribution, can pass through a continuous charge distribution, cannot pass through a continuous charge distribution, तो आपके पास can pass through a continuous charge distribution and cannot pass through a continuous charge distribution. मुझे लगता है कि यार ऑप्शन ए और बी में या तो एक सही होगा या तो एक गलत होगा, ये बात तो यहां पे क्लियर सी दिखाई दे रही। कैन पास थ्रू ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैन नॉट पास थ्रू ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लियर। इनमें से एक बात करेक्ट होगी। गॉसियन सर्फेस के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मुझे कभी भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करनी होती है ना, तो जो गॉसियन सरफेस आप बनाते हैं तो गॉसियन सरफेस ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकता है, ठीक है, लेकिन वो किसी डिस्क्रीट चार्ज से होके नहीं जाएगा। डिस्क्रीट चार्ज से होके मतलब आप कभी भी गॉसियन सरफेस जब बनाएंगे तो वो चार्ज से होके नहीं गुजरना चाहिए, चार्ज पे होके नहीं गुजरना चाहिए, है ना। अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो कॉन्टिन्यूस में केसेस बन सकते हैं ना। कॉन्टिन्यूस की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि ये जैसे चार्ज था तो यहां पे आपके पास क्या था, ये केस था, तो आप देख पा रहे हो कि जो गॉसियन सरफेस है वो पासिस थ्रू द कैन पास थ्रू कॉन्टिन्यूस चार्ज बट नॉट फ्रॉम द डिस्क्रीट चार्ज, है ना, डिस्क्रीट चार्ज। तो डिस्क्रीट चार्ज के लिए आप डिस्कशन कर रहे हो, कैन पास थ्रू एनी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज, कैन पास थ्रू ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैन पास थ्रू अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एनी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, एनी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। तो मुझे बताओ कि क्या मेरा यह कहना है कि सिस्टम तो कोई भी हो उस केसेस में आपके लिए कैन पास थ्रू एनी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, कैन पास थ्रू अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एनी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, क्या आपको बेहतर ऑप्शन लग रहा है, क्या आपको बेहतर ऑप्शन लग रहा है ना। तो हमें यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यार मैं एक बेहतर ऑप्शन की तरफ मूव कर पाऊं। तो मेरे लिए नो डाउट यहां पे और यहां पे अगर बात करें तो कैन पास थ्रू यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। कैन पास थ्रू एनी सिस्टम ऑफ चार्ज डिस्क्रीट चार्जेस, ये भी करेक्ट दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये वाला एक बेहतर ऑप्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक करेक्ट आंसर यानी क्लोज टू द करेक्ट आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे गॉसियन सरफेस के बारे में कुछ और भी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन अभी हम यहीं तक इसको एलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा विच स्टेटमेंट इज ट्रू
फॉर गॉस लॉ, गॉस लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस कॉन्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नो, नो, नो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस? नो. गॉस थ्योरम आपको याद होगा, गॉस थ्योरम जब मैंने एक्सप्लेन किया तो गॉस थ्योरम में क्या था, गॉस थ्योरम ने सिंपल ये कहा कि द फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द सरफेस रीजन दैट शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मतलब किसी भी गॉसियन सरफेस से या किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स मुझे मेजर करना है तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है, इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता किस टाइप की ज्योमेट्री से आपने उसे एनक्लोज कर रखा है. तो इसके लिए भी थोड़ा सा ये रॉन्ग है. ठीक है, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट. यार इन दो पॉइंट, ये दो पॉइंट तो यार कंफर्म हो गए, दो पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर लिया, तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है. लिखा है गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट. ये बात, अभी जस्ट मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस करी. जो गॉसियन सरफेस है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्टिन्यूअस और यूनिफॉर्म हम कंसीडर कर रहे होते हैं एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट्स पे. ठीक है, तो ये एक बेहतर, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपसे बोला था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ये एक सिचुएशन है जहां पे मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट तो कर पाता हूं, नॉन यूनिफॉर्म रीजन में जाके कैलकुलेशन तो कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो फिर मैं नहीं. तो इसमें डी यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा, डी इज द राइट आंसर. क्लियर? ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के लिए जो बात कही है वो मुझे यहां पे एलेबरेट होती दिखाई दे रही है. ठीक है, और बाकी आपको जो करेक्ट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसको थोड़ा सा हम ऑप्शन में लें, जरूर एक बार डिस्कशन जरूर करें. अगर हो सकता है, अगर कुछ और इसमें निकल के सामने आ सकता है तो वो जरूर आप डिस्कस कीजिए प्लीज. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग फ्रॉम अ क्लोज सर्फिस एनक्लोजिंग एन अल्फा पार्टिकल. एक अल्फा पार्टिकल और वो एक सरफेस से एनक्लोज्ड है. अल्फा पार्टिकल के पास आपको पता है कि गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं अल्फा पार्टिकल पे चार्ज करूं तो टू प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, दैट इज टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द राइट आंसर. तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहां पे बहुत बड़े लॉजिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको गॉस थ्योरम पता है, गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के बिहाफ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या है, ध्यान से देखो. देखो क्या है, फॉर अ गिवन सर्फेस द गॉस लॉ इज स्टेटेड दैट दिस एज दिस, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड. आपको पता है इफ दिस देन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी क्यू इन शुड बी इक्वल टू जीरो. मुझे लगता है ज्यादा मैं सोचने का जरूरत नहीं है. इज नेसेसरली जीरो ऑन द सर्फेस, इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट. The total flux through the surface is zero. The flux is only going out of the surface. The flux, total flux, the surface is zero. ठीक है? तो अगर total flux through the surface जो है वो zero है तो इसके अंदर Q in कितना है वो भी zero होगा, net. ठीक है? ये कहना ठीक है. Is necessarily zero on the surface? ऐसा कहना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आउटसाइड और इनसाइड दोनों टाइप के चार्जेस की वजह से होती है. तो आप प्लीज ये नहीं कहेंगे कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट हो भी सकती है ना इस केस में. इसके अलावा इज परपेंडिकुलर टू सर्फेस एट एवरी पॉइंट, इसके बारे में भी डिस्कशन करना थोड़ा सा अभी अजीब है, लेकिन आपको पता है कि द टोटल फ्लक्स through the surface is zero. ये एक बेहतर conclusion है. ठीक है, आप NCERT को follow कर सकते हैं. मैंने बोला ना कि NCERT के pages में page number, वैसे मैं ये तक elaborate कर सकता हूँ कि किस line से question को उठाया गया है, लेकिन NCERT के आप importance को समझो और
देखें कहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इसके बारे में देखो आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज देखिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और गॉस थ्योरम बेस्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज जीरो। यूनिफॉर्म शेल, अगर मैं स्फेरिकल शेल की बात करता हूं, स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब है इस टाइप का, मतलब यहां पे है कैविटी, और अगर कैविटी है तो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि आपको पता है यहां पे पास होता है गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस के अंदर हमेशा चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या कहेंगे, सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, तो आंसर क्या होगा, जीरो, है ना। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उससे इस बात को आराम से समझा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया, या फिर हमारे सामने कोई क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं आया जो हमारे लॉजिक के बियॉन्ड हो, जो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे, जिन कॉन्सेप्ट के व्यापे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, या जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखे उन्हीं के व्यापे सारे क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या देखते हैं, लिखा है अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, है ना। जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके ओपन एंड पे आपने एक चार्ज को प्लेस कर दिया। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सर्फेस ऑफ द वेसल, मैंने आपको हमेशा सिखाया है आप सिमेट्रिक सिचुएशन जरूर ड्रॉ कर दें। आपको पता है इसको ढकने के लिए, अब यहां ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जा रही होंगी, 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 इधर भी जा रही होंगे, इस टाइप से, क्लियर। तो आपको पता है कि जो हाफ ऑफ द रीजन है, तो आधा फ्लक्स इससे पास हो रहा है, आधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसको इनक्लोज करूं, क्या मैं इसी टाइप के सिलेंडर से इसे इनक्लोज कर सकता हूं? नाउ अगर मैं पूछूं कि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, दो सिलेंड्रिकल सरफेस से आपने एक दूसरे को पैक कर दिया, अब बीच में चार्ज है, तो हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद बोथ ऑफ द सिलेंडर। तो आपको पता है फ्लक्स क्या कहता है, दैट्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब हाफ ऑफ द फ्लक्स अपर सिलेंडर के साथ, हाफ ऑफ द फ्लक्स लोअर सिलेंडर के साथ। तो क्या आंसर होगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सिलेंड्रिकल वेसल से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, ऐसा आपको पता है क्यूब वाले केसेस में, क्यूब वाले केसेस में हमने खूब सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैंने किए हुए हैं, या फिर आपने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, डन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देख लो एक बार, क्वेश्चन ये है और देखते हैं कि यार क्या मेरे लॉजिक के में विद इन लॉजिक आता है या फिर नहीं। लिखा इन अ रीजन ऑफ स्पेस हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का आपको पता है प्रेजेंट आप कैसे करते हो, इस टाइप से आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। अ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू द बाउल, बाउल लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, इस बाउल को रखते हैं। आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बाउल का ये जो क्रॉस सेक्शन रीजन है उसका सरफेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, अगर मैं आर रेडियस का बॉल प्लेस करता हूं तो आर, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि हाउ मच फ्लक्स, यानी आपके पास ये एक सरफेस रीजन, ये एक सरफेस रीजन, यहां से पास होती है फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हर जगह ई, ई इंटू ए, दैट शुड बी इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। So how much flux associated with this bowl? Area is cross-section region के साथ associated flux कितना है? E into pi r square. तो मुझे बताओ curved surface region के साथ ही flux कितना होगा? जितना flux इससे in कर रहा है उतना ही तो out होगा. Clear? तो answer क्या होगा? क्या होगा? E into pi r square. Into pi r square. So D should be the right answer. मुझे लगता है यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं थी. अगर आप bowl को कुछ ऐसे place करते, like इसी field में आपने bowl को कुछ ऐसे place कर दिया. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में एंगल जीरो, तो इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो कर्व्ड सरफेस रीजन एंड क्रॉस सेक्शन रीजन दोनों से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, अगर मैं इस टाइप से सरफेस को प्लेस कर देता हूं। क्लियर, डन, चल नेक्स्ट प्रश्न आपके पास ये है और आप देखो कि क्वेश्चन क्या है और आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करो। एट द सेंटर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्यू प्लेस्ड इन अ प्लेस्ड,
द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ द वॉल, एक वॉल से, है ना। आपको पता है कि ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इस क्यूबिकल ब्लॉक के सेंटर में एक चार्ज रखा है क्यों, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें सिक्स वॉल्स है, है ना, सिक्स यानी फोर वॉल, वन टू डॉट थ्री फोर डाउन अप इस टाइप से, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिक्स फेसेस, और तो आपको पता है एक फेस के साथ, एक वॉल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आपको पता है एक वॉल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, जैसे डी इज द राइट आंसर, है ना। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होते हैं एक्चुअली, गॉस थ्योरम का हम बार बार यूज कर रहे हैं, गॉस थ्योरम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्या एप्लीकेशंस आपके सामने बेहतर तरीके से बन सकता है वो मैंने यहां पे डिस्कस किया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखो इसका भी आंसर बहुत मुश्किल नहीं है, देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज पुट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन अ स्फेरिकल स्फीयर फिल्ड विद द वाटर, मतलब एक स्फीयर फिल्ड इन द वाटर, है ना, और एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज द माइनस क्यू चार्ज फिल्ड द वाटर, वाटर के अंदर रखा हुआ है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग आउटवर्ड टुवर्ड्स स्फीयर, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर, स्फीयर से बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इनटू द स्फीयर एंड लीविंग द स्फीयर आर सेम, वॉटर डज नॉट परमिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एंटर इनटू द स्फीयर। पहली बात आपको पता है कि अगर ये वॉटर प्योर है, प्योर, तो केवल और केवल फ्लक्स, फ्लक्स में क्या चेंजेस आएंगे, दैट इज क्यू इन अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, वॉटर एक डाइलेक्ट्रिक है तो क्यू इन अपॉन 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है फ्लक्स इतना होना चाहिए। लेकिन मैं क्यू नेट की बात करूं, यानी अंदर नेट की बात करूं, तो क्यू जीरो है तो जीरो अपॉन 81 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना है जीरो, तो इसका मतलब इस स्फीयर से बाहर जाने वाला फ्लक्स और अंदर वाला आने वाला फ्लक्स सेम है तभी इसका आंसर जीरो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इनटू द स्फीयर एंड लीविंग द स्फीयर आर सेम। एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि मेरे पास यहां पे स्फीयर के अंदर ये जो गॉसियन सरफेस रीजन आपने लिया इसके अंदर नेट चार्ज जीरो है, तब भी आप ये कह सकते हो कि इस गॉसियन सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी जीरो होगा, नेट चार्ज तो जीरो ही ना इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, क्लियर है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। लिखा है सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, ठीक है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मतलब ये सिलेंडर स्टेप्स, क्लियर, द टोटल फ्लक्स फॉर द सर्फेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर से जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस टाइप से जा रही है। मैं अगर इस सर्फेस की बात, कर्व्ड सर्फेस रीजन की बात करूं तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इस सर्फेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, है ना। इस सर्फेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो फ्लक्स कितना होगा, दैट इज 51 दैट इज इक्वल टू ई इंटू माइनस ऑफ ई इंटू, है ना, ई ए कॉस थीटा होता है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर है, इसकी लेंथ है एल, और अगर मैं पूछूं यहां पर इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है तो फ्लक्स कितना होगा, दैट्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू पाई फोर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दिस इज द, तो इनकमिंग फ्लक्स हैव एन वैल्यू इज माइनस ऑफ ई पाई आर स्क्वायर एंड आउटगोइंग फ्लक्स हैव एन वैल्यू इज दिस, ये आपके पास है। इस कर्व्ड सरफेस रीजन के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, जीरो, तो क्या है, द टोटल फ्लक्स फॉर द सर्फेसिस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो अब कर्व्ड सरफेस रीजन के साथ जीरो, तो जीरो माइनस ऑफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर एंड प्लस ऑफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर, द आंसर इज जीरो। अगर मैं किसी एक सर्फेस के लिए कैलकुलेशन करता कि कर्व्ड सर्फेस रीजन के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, हम जीरो डिक्लेयर कर सकते थे, इस सर्फेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, आंसर दे सकते थे, इस सर्फेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या है, आंसर दे सकते थे। अगर मैं टोटल सर्फेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मुझे लगता है यहां पे मेरे पास आंसर जीरो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप समझ भी सकते हो आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास ये है,
लिखा है चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोग ज्ञानी बन चुके हो, है ना. और ये बात बहुत अच्छे से पता है कि गॉस थ्योरम जब आई तो उन्होंने सरफेस एरिया इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर दी. सरफेस एरिया इंडिपेंडेंस, एरिया इंडिपेंडेंसी डेल के, कि अगर आप सरफेस एरिया के रेडियस बढ़ा भी दोगे उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स निर्भर करता है कि अंदर कितना चार्ज है और किस टाइप का सराउंडिंग है. तो इंक्रीजेस फोर टाइम्स वी रिड्यूस रिमेन द सेम. सो सी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है, डन. सरफेस एरिया, वैसे फॉर्मूले में आपके पास ई इंटू डी एस भी होता है, और जीरो से लेके फोर पाई आर तक स्क्वायर तक इंटीग्रेट करते हो तब फ्लक्स मिलता है. लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं इसका कैलकुलेशन भी इसके बराबर है. इसका मतलब यहां पे सरफेस एरिया इंडिपेंडेंसी है. प्लीज इस बात को थोड़ा फॉलो करें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा है चार्ज क्यू इज एट द डिस्टेंस एल बाई टू अबव द स्क्वायर ऑफ साइड एल देन. अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपके पास एक स्क्वायर, एक शेप, आप ऐसा देख लीजिए, थ्री डायमेंशन इसको देखने की कोशिश कीजिए प्लीज. ये सरफेस रीजन, ये सरफेस रीजन, और इससे एक पर्टिकुलर हाइट पे कितनी दूर, अगर इसकी साइड L है तो L बाई टू हाइट पे, L बाई टू हाइट पे आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है. क्यों, क्यों चार्ज रखा हुआ. देन व्हाट इज द टोटल लिंक्ड फ्लक्स विद द सरफेस, इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा. मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि अगर मुझे कभी भी फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो सिमेट्रिसिटी में आप इसको लेके जाओ. मैंने बोला कि मुझे इसे, इस चार्ज को कंप्लीटली ढकना है, तो ये सरफेस है, इसके जस्ट ऊपर अगर एल रेडियो एल साइड का एक स्क्वायर, फिर चार्ज बीच में एल बाई टू पोजिशन पे, एल बाई नेक्स्ट आपने एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, फिर राइट हैंड साइड एक सरफेस, लेफ्ट हैंड साइड से इस साइड, इस साइड, आपको लगता नहीं है कि कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी. प्लीज ध्यान से देखना, अगर मुझे इसे कंप्लीटली ढकना है, कंप्लीटली ढकना है, तो क्या ये एक क्यूब जैसी संरचना बनाता हुआ दिखाई देगा. ये सरफेस जिसका, ये जो स्क्वायर है जिसकी एक साइड है और इस साइड से कितनी दूर, L बाई टू दूर, तो आपको लगता नहीं कि क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ. तो आपको पता है कि जो ये सरफेस आपने ड्रॉ किया, इस सरफेस से मैंने कितने और सरफेसेस ड्रॉ करके से इनक्लोज कर लिया. अब मुझे बताओ इस क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स करना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक के साथ कितना एसोसिएटेड है, दैट्स q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. हम इस टाइप के क्वेश्चन बार-बार प्रैक्टिस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि हम आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है. तो मेरे पास ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा. एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो प्लीज आप एनसीईआरटी को समझते हुए क्वेश्चंस को पिक करें, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये, ठीक है. मैं चाहता हूं कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, तो मेरे पास ये भी क्वेश्चन है, प्लीज आप इसे ट्राई करने की कोशिश करें. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ट्राई करें इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना. देन दिस, क्योंकि लगभग अब सेम क्वेश्चंस आपको मिलते रहने हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशंस हैं, उन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशन को मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और उससे रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये आपके सामने प्रेजेंट है. पीपीटी जो है उसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से इसे आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. ये कुछ अच्छे से क्वेश्चन हैं जिनको आपने फॉलो करना है, और आपको आप बिलीव करो मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम टाइप ऑफ सिचुएशन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. तो आज के सेशन में ये डिस्कशन मैं ओवर कर रहा हूं कि यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे सीख के चले. मैंने बोला ना कि हम क्वेश्चन की सीरीज अलग लेके चलेंगे, अपने आपको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली अपने आपको बिल्ड करो. मैं आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट भी लेके आने वाला हूं जो प्रोजेक्ट आपको इससे इंटरप्रेट करने में थोड़ा आसानी फील कराएंगे.
ठीक है, तो आज का सेशन मिलता इतना, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और बेहतर करने के लिए. थैंक यू सो मच.